बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केटीएस में आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपके खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको रिंकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है वो रेमेडी आपको बताऊंगी। इससे आप जो अपने आई एरिया के करीब बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं और उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ती रहती है और समटाइम्स आपको बहुत कम उम्र में ही रिंकल्स की प्रॉब्लम्स को बनना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आज आपको बहुत ही बेहतरीन और आसान जो है वो जो है रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले जो फ्रेंड मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को मस्ती प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा और मेरे केटी हेल्थ पेज को फॉलो कर लिए। तमाम जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। चलिए अपनी आज की अमेजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई नीट एंड क्लीन बाउल लेना है और उसमें आपने ऐड करना है सबसे पहले शहद 1 टीस्पून के बराबर आपने इसमें ऐड करना है। शहद जो है वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन की। इसके बाद आपने ऐड करना है इसमें रॉ मिल्क, इनके कच्चा दूध आपने इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून के बराबर। इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो विटामिन ई ऑयल के ऐड करने हैं। इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नरिश होगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होगी और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने कोई कॉटन बॉल लेनी है, उसकी मदद से आपने इसको अपने फैक्ट्री एरिया यहाँ पर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करना है 5 से 10 मिनट और उसके बाद आपने इसको लगा रहने दें, ये आपकी स्किन अब्जॉर्व होकर ड्राई हो जाएगा। आपने ये प्रोसेस रात को सोने से पहले करना है और सुबह को आपने उठ के वॉश करना है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम क्यों होती है, जब आपकी स्किन पर जो है वो नमी ख़त्म हो जाती है, यानी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी जो है वो रिंकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका हल ये है कि आपकी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें। तो जो हम इन्ग्रीडियंट्स में ऐड करें, विटामिन ई ऑयल, इसमें रॉ मिल्क और इसमें हनी जो हमने ऐड किया है, क्या तमाम इन्ग्रीडियंट्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ आपकी स्किन को नरिश भी करेंगे और आपको वाइटनिंग भी देंगे। आप इसको फुल फेस पे, अपने नेक पर, अगर आपको हाथों पैरों पर भी रिंकल्स की प्रॉब्लम वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन पर विटामिन ई की कमी होने की वजह से भी रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, तो इसलिए हम इसमें विटामिन ई का ऑयल ऐड कर रहे हैं ताकि आपको इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आप इसको डेली बेसिस पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।